ये देश की टॉप 10 खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकार ना प्रमुख तरीके 20वां वर्ष में प्रवेश करो। प्रधानमंत्री मोदी एक नेता तरीके की मिसाल बनावी ने भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर सौथी मोटी प्रतिष्ठा अपावी। गुजरात में सतत त्रण सरकार नेतृत्व करी केंद्र में कांग्रेस ना दबदबा ने पड़कार आपी बीजेपी नु स्थान मजबूत कर्यु। पोतानी राजकीय कारकिर्दी में पीएम मोदी गुजरात मॉडल थी लई आर्टिकल 370 राम मंदिर भूमिपूजन जेवा अनेक महत्वना कार्यो कर्या। बिहार विधानसभा चूंटनी माटे सीटों की वहेंचनी थी। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू ने 122 सीटों मिली। जेमाथी जेडीयू जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवास मोर्चा ने 7 सीट आपशे। बाकी 115 सीटों पर जेडीयू लड़शे चूंटनी, जयरे भारतीय जनता पार्टी 121 सीट पर लड़शे चूंटनी। बिहार की चूंटनी अंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्षे कहू नीतीश कुमार नेतृत्व में ज भाजप चूंटनी लड़शे और सरकार बनावशे। बिहार में विधानसभा की चूंटनी पहला बीजेपी ने मोटो झटको। बिहार भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी एटले के एलजेपी में जोड़ाया। एलजेपी में शामिल थया बाद राजेंद्र सिंह दिनारा बैठक पर चूंटनी लड़वानी करी जाहरात। महत्वनु छे कि दिनारा बैठक ने जेडीयू नो गढ़ मानवामां आवे छे अने ताजेतर में चिराग पासवाने स्वतंत्र रीते चूंटनी लड़वानी जाहरात करी छे। मध्यप्रदेश में विधानसभा की पेटा चूंटनी दमदमाट। भारतीय जनता पार्टी 28 सीट में उम्मीदवारों की याद जाहिर करी। कांग्रेस में राजीनामू आपी भाजप में जोड़ायेला ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों ने पण आपी टिकट। नोंधनीय है कि कांग्रेस में भाजप में जोड़ायेला तमाम नेताओं ने एज सीट की टिकट आपी जेनु प्रतिनिधित्व वो कांग्रेस सभ्य तरीके करता था। हाथरस केस की तपास में नवो खुलासो सामे आव्यो। उत्तर प्रदेश पुलिस की तपास में सामे आव्यो कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी फोन द्वारा एकबीजाना संपर्क में था। पीड़ित परिवार और आरोपी वच्चे फोन पर बातचीत नो सिलसिलो गत वर्ष ऑक्टोबर महीना थी शुरू थयो हतो। पुलिसे कॉल रेकॉर्ड की तपास करी तो सामे आव्यो कि अत्यार सुधी बन्ने वच्चे 104 वक्त फोन पर बातचीत थई छे। हाथरस केस की तपास में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एटले के एसआईटी की टीम पण तपासना अंतिम तबक्का में। एसआईटी पोतानो रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुपरत करे तेवी शक्यता। साथ उत्तर प्रदेश गृह सचिव और डीआईजी पण केस की तपास करी रहा है। योगी सरकारे हाथरस कांड में जाति हिंसा फैलावाना आक्षेप साथ केस में ईडी की तपास की पण मांग करी छे। राष्ट्रीय महिला आयोगे हाथरस कांड अंगे फटकारी नोटिस। पीड़िता की ओळख सोशल मीडिया में कथित रूपे जाहिर करने बदल भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने फटकारी नोटिस। आयोगे त्रणे पासे थी स्पष्टीकरण मांग्यू। साथ पोस्ट ने तात्कालिक धोरणे दूर करी भविष्य में आ प्रकार की भूल पुनरावर्तन न करने ताकीद करी। महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुखे सुशांत सिंह राजपूत केस बाबते कर आक्षेप। महाराष्ट्र ने बदनाम करने कावतरू रचायू हो आक्षेप कर समग्र मामले तपास आदेश कर। मुंबई पुलिस साइबर यूनिट ने एक रिपोर्ट में जु कि सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने बदनाम करने 9 जटला देशों में 80,000 जटला फेक सोशियल मीडिया अकाउंट्स बनाया। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती ने 1,00,000 ना बॉन्ड पर शरती जामीन मिला। एक महीना बाद जेल में रिया चक्रवर्ती नो छुटकारो थयो, परंतु रिया ना भाई शौविक की जामीन अरजी रद्द थी। 8 सप्टेम्बरे एनसीबीए करी हती रिया की धरपकड़। मुंबई की बाहर जवु होय तो रियाए लेवी पड़शे मंजूरी। लद्दाख सरहदे चीन साथ चाली रहे तनाव की स्थिति ने जोता भारते भर्यु महत्वनु पगलू। तमाम मोर्चे सेना ने सुसज्ज करवा माटे भारत सरकारे 700 किलोमीटर की रेंज धरावती सरफेस 2 सरफेस सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल ने सैन्य काफला में शामिल करने की मंजूरी आपी। शौर्य मिसाइल सबमरीन लॉन्च BA-5 मिसाइल नु लैंड वर्जन है। शौर्य मिसाइल पोतानी साथ न्यूक्लियर पेलॉड लई जवानी क्षमता धरावे छे। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों वच्चे अथड़ामण। शोपियाना सुजान जैनापोरा विस्तार में अथड़ामण। अथड़ामण दरमियान एक टॉप कमांडर सहित 3 आतंकी ठार। सेनाए समग्र विस्तार ने कॉर्डन करी सर्च ऑपरेशन हाथ धरू। सेनाए आतंकियों छुपाया होवानी बातमीना आधारे कार्यवाही हाथ धरी थी।